हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टाइलर के चैनल पे, और एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बार, आई में इच्छा हुई कि मैं जल्दी इस बार सर से कांटेक्ट करूं और उनको जल्दी दोबारा से लेता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ यू वांट हिम टू कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली कम ऑन आवर चैनल एंड आंसर द क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिमाग में होते हैं। और इस बार जैसा कि मैंने बोला वही किया, इस बार सर को जल्दी बुलाया है उन सब क्वेश्चंस के साथ जो आप लोगों ने शेयर किए हैं, और चैट में भी जो आएगा वी विल गो एंड टेक अप फ्यू क्वेश्चंस अगर हो पाएगा तो। बट टुडे वन मोर क्यू एन ए सेशन विद नन अदर देन गौरव सर। गौरव सर की कोई स्क्रीन लेते हैं। गौरव सर नमस्कार सर, जय हिंद, क्या हाल है? नमस्ते, आप सबको नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरी नमस्ते, जय हिंद। सर इस बार ही मैंने आपको जल्दी बुला लिया सर, इस बार ही मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, वरना आप मुझे कई बार हराते ही बुलाइए, कर। मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, ये भी डील रही, ये भी कर सकते। सर मैं क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं सर, एंड आई हैव ट्राइड टू पिक एज मेनी एज पॉसिबल, जितना कवर करने की कोशिश करेंगे करेंगे। और ऑब्वियसली अलग-अलग डोमेन्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, उन सब चीजों से। आई हैव ट्राइड टू मेक देम एज सिक्वेंशियल एज पॉसिबल, बट थोड़ा हो सकता है इधर 19-20 हो। सर लोगों का सवाल पूछने से पहले सर मेरा आपसे एक सवाल है, एक सिचुएशन है जिसमें मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूँ बेसिकली। क्योंकि रिसेंटली जो फार्मर बिल रिपील हुआ था सर, जो मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि फार्मर बिल को हटा देंगे, जब गुरुपर्व के ऊपर ये डिसीजन लिया गया था, उस टाइम पे सर काफी लोगों का अपेरेंटली जो राइट विंग बोला जाता है, राइट विंग जिसमें मुझे भी काउंट किया जाता है, काफी लोगों का एक इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ था जिसमें मेरा भी था सर, जो है मैं फैक्टफुल बात बता रहा हूँ। जहां पे आया है आज तक गवर्नमेंट की, भाई क्यों, मतलब हमने आपको इतना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना के भेजा, आपने क्यों लिया, विच वॉज एन इमोशनल आउटबर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वी ऑलवेज हैव स्टूड बिहाइंड बीजेपी एंड मोदी जी, विच वी विल कंटिन्यू टू डू। कि पेट्रोल प्राइसेस क्यों इतने ज्यादा महंगे, हमको उसकी रीजन पता है कि कर्जा जिस तरीके का भारत के ऊपर था, कोविड की सिचुएशन में इतने केसेस क्यों हुए, हमको पता है कि एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, ऊपर से हेल्थ केयर सिस्टम इनको अच्छा नहीं मिला था पिछली गवर्नमेंट से, तो वो सेटअप था, हमको वो रीजंस बताते हैं। सो वी ऑलवेज हैड दिस थिंग कि हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हम एक एजुकेटेड तरीके से हम बात करते हैं कि हमको किस तरीके से अपना देश को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। बट देन पीपल कम एंड ब्लेम अस कि तुम मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहे हो, तुम मोदी हेटर हो। मैं भी आपके ग्रुप में देख रहा था सर, कई लोग मुझे गाली दे रहे थे वहां पे कि तुम तो एंटी मोदी हो, तुम तो लेफ्ट विंग वाले हो, कम्युनिस्ट हो, ये हो वो हो। तो मैं एक गाइडेंस चाहता हूँ सर आपसे कि हाउ डज वन टैकल दिस सोशल मीडिया बुलिंग जो होती है कई बार, जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन, आपको भी कई बार टारगेट किया जाता है, मे बी कोई कोई आपने कुछ कोट लिखा होगा उसको पकड़ के, कह रहे तुमने ऐसा क्यों लिख दिया, आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपने इसके साथ क्यों मीटिंग कर ली। तो ये जो सोशल मीडिया बुलिंग है सर, इसके ऊपर एक छोटा सा गाइडेंस चाहता हूँ आपसे, हाउ टू हैंडल दीज पीपल एंड हाउ टू कीप आवर माइंड क्लियर। संदीप, आप तो शायद कुछ नहीं फेस करते हैं। मेरी दिग्विजय सिंह जी के साथ मेरी एक फ़ोटो मैंने अपने चैनल पे डाली थी, टेलीग्राम चैनल जी पे, जी जहाँ से लोगों ने उठाई वो पिक्चर और उसके बाद बोले हमने गौरव प्रधान को एक्सपोज कर दिया। जी मैंने देखा सर। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा एक्सपोज कैसे कर दिया, क्योंकि पिक्चर तो मैंने ही डाली है और तो कोई डाली नहीं है। पर उसके बाद बहुत कुछ लोगों ने लिखा। ठीक है, लोगों की अपनी मानसिकता है, लोगों की समझ हमारी जैसी समझ नहीं है, इसलिए वो दूर की चीज़ नहीं देख पाते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, 2014 के चुनाव में जब मैंने बोला था, अरुण जेटली ने कैप्टन अरविंदर सिंह को अपनी सीट दे दी, तो लोगों ने मुझे राजनीति का ज्ञान दे दिया था। 2017 में जब मैंने बोला कि कैप्टन अरविंदर सिंह जी जो है वो भाजपा के एसेट हैं, तो लोगों ने मुझे राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। बड़े 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 सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। जब मैंने 2 महीने पहले लिखा था, 2-3 महीने पहले कि एबीसी सरकार बनेगी, तब लोगों ने मुझे राजनीति का ज्ञान दिया। लेकिन आज देखो वही तो हो रहा है जो मैं 2014 से बोलता आ रहा हूँ, वो बात अब सच हुई है ना। तो क्या होता है कि लोगों की सोच उस लेवल की नहीं है, और उसके कारण होते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना सस्ता है कि हर बंदा सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल के चला जाए। उन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन केवल ट्रोलिंग पे चलता है, ठीक है, कंटेंट वो कोई ऐड नहीं करते हैं,
पॉजिटिव काम जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना संदीप सबसे अच्छी चीज़ होती है। मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता हूँ। टेलीग्राम पे तो मेरे को एक फीचर है ब्लॉकिंग का, तो जब कोई ज़्यादा ही बदतमीज़ी करते हैं या फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेरे लिए करें या किसी और पार्टिसिपेंट के लिए करें या और जो मेंबर्स हैं उनके लिए करें या आपस में एक दूसरे को गालियां दें, तो मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो हम फॉलो करते हैं। भाषा की मर्यादा, मतलब आप सब अपनी अपनी बात कर सकते हैं, आपका स्वतंत्र है, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। तो मेरा आपको बस एक ही राय होगी कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो और इन पे अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने देखे थे आपके कमेंट मेरे चैनल पे, जिस बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे थे वो 12th का बच्चा है। अच्छा, तो मतलब ऐसों को इग्नोर करो, अभी उनकी मानसिक अवस्था उस लेवल पे नहीं है कि वो इतनी डिटेल में इतना इनडेप्थ स्टडी करके पॉलिटिक्स को आपकी बात बोल सकें। और जहाँ तक जब मैं बोलता हूँ तो उसमें बहुत स्टडी होती है, इनडेप्थ नॉलेज होती है, तो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सर, उसी मोदी जी के पॉइंट को ही अगर आगे रख के चले सर, तो आपका ओपिनियन जो ये 3 बिल वापस लिए गए ऑफिशियली, दे हैव बीन टेकन बैक, अब कहने सुनने में ये भी आ रहा है कि टिकैत जी को तो साइड कॉर्नर में कर दिया, मीटिंग में उनको बुला नहीं रहे, सिंगों पे जो मीटिंग हुई थी भी, तो व्हाट इज योर ओपिनियन सर, हाउ इज इट मूविंग फॉरवर्ड नाउ? देखो, जो ये बिल वापसी हुए हैं ये वो शतरंज की चाल थी जो हम भी नहीं समझ पाए, तो हमारे जहन में भी नहीं था कि ये बिल वापस होंगे, लेकिन बिल वापस हुए उसके बाद अब उनको सोचने की ज़रूरत है कि इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो अगर वो चीज़ें देखनी है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कैप्टन अरविंदर सिंह का अमित शाह जी से मिलना, डोवाल से मिलना, और BSF की रेंज को 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर करना। राष्ट्र के सुरक्षा सर्वोपरि होती है, लेकिन ये बिल जब आए थे तो इमरजेंसी क्लॉज के अंडर आए थे, क्योंकि भारत इमरजेंसी सिचुएशन में था, कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, और उस काल में, इमरजेंसी काल में केंद्र सरकार एग्रीकल्चर पे बिल बना सकती है, उसके बाद नहीं बना सकती, मतलब पीस पीरियड में केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, वो स्टेट का होता है। अब होगा क्या, अब ये जो बिल है ये केंद्र नहीं करेगा बल्कि भाजपा शासित राज्य जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लेवल पे, अपनी असेंबलियों में पास करके। उससे क्या होगा, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, 2015 का जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था, पास नहीं हुआ था, बिल ही आया था, तो उसका सबने विरोध करा था, यहाँ तक कि फिक्की और CII ने भी विरोध करा। तो विरोध करने के बाद वो बिल वापस ले लिया गया, वो पास नहीं कराया गया, और उसके बाद स्टेट्स ने थोड़ा माइनर चेंजेस करके, भाजपा स्टेट्स जो हैं उन्होंने वो लैंड एक्विजिशन बिल पास करा। उसका नतीजा ये हुआ कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज जो आ रही थी वो सब भाजपा स्टेट में चली गई और नॉन भाजपा स्टेट में नहीं गई। तो नॉन भाजपा स्टेट मतलब अपने आप को पीछे समझने लगे, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी असेंबलीज में वो बिल पास करके इम्प्लीमेंट करा ताकि उनको भी उसका इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा हो। यही हाल फार्मर्स बिल का होगा। बिल अभी के लिए वापस हुए हैं, लेकिन जितने दिन ये बिल रहे, पिछले एक साल जो भी रहे, उस बीच में आढ़तियों का खून चूस गया, पैसे निचुड़ गए, और 80% किसानों ने देख लिया कि भारत सरकार, मोदी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। मतलब जिस फसल का उनको पहले 3,000 रुपये मिलता था वो बिल के साथ में 8,000 रुपये मिलने लगा,
और अब बिल हटने के बाद वो फिर 3,000 पे आ गया, तो उनको पता चल गया कि बिल का क्या फायदा है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर पूरा दरमदार है कि वो कैसे ये बिल पास करते हैं। नॉन भाजपा स्टेट अगर बिल पास नहीं करेंगे तो उनकी सरकार खत्म होगी, और अगर पास करते हैं तो वो मोदी डॉक्ट्रिन में फॉलो करेंगे, तो वो दोनों तरह से ट्रैप हो गए। यही हाल पंजाब में होगा। पंजाब में बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि आप एक चीज याद रखिए, पंजाब का 70-80% प्रिक्योरमेंट जो है FCI करता है। पंजाब का जो गेहूं चावल है वो ओपन मार्केट में नहीं आता है, और उसका रीज़न है उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से, ओवर यूज से, और बहुत सारे कारण हैं। तो जनरली जो आप लोग और मैं घर में आटा खाते हैं या चावल खाते हैं, वो जनरली मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से आता है या वेस्ट बंगाल से आता है। तो इसी को कहते हैं अंडा अंदर से फूटना। अब अंडा अंदर से फूटेगा। मैंने आपको हमेशा दो चीज़ें बताई हैं कि पहली चीज़, मोदी किसी भी अंडे को बाहर से तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, अंडा हमेशा अंदर से फूटेगा उनके कार्यकाल में। और दूसरी चीज़, मोदी कभी भी एक लकीर को काट के अपनी लकीर को बड़ा नहीं दिखाते, वो सामने वाली लकीर के आगे अपनी बड़ी लकीर खड़ी कर देते हैं ताकि लोगों को दिखना शुरू हो जाए, फर्क पता चलना शुरू हो जाए। तो फार्मर लॉ पे जितने इसमें एक छोटी सी कहानी है, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल। भगवान कृष्ण को जब लड़ने जरासंघ आया था, तो जरासंघ अपने साथ काल यवन नाम के व्यक्ति को लेके आया, जो यवन देश का राजा था। उसको ये वरदान प्राप्त था कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उसे कभी नहीं मार सके, यानी भगवान कृष्ण कितनी भी कोशिश कर ले वो काल यमन को नहीं मार सकते, लेकिन काल यमन को मारना जरूरी था। तो भगवान कृष्ण रण छोड़ के भागे, जिसकी वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा। और वो एक गुफा में गए जहाँ एक राजा विश्राम कर रहे थे, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि अगर उनकी नींद में कोई खलल डालेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर वस्त्र उस राजा के ऊपर डाल दिया। काल यवन समझा कि ये भगवान कृष्ण है, उन्होंने जैसे ही उसे डिस्टर्ब करा, काल यवन की राजा की आंखों में से लौ निकली और काल यवन भस्म। तो कई बार रण छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी मृत्यु जिसके नाम पे लिखी हुई है वो वहीं जाके मरे। कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना चंद्रवर्षी मान सकते हैं ना सूर्यवर्षी मार सकते, उसको मारेगा कोई और वो और कोई नहीं है, वो जनता है। यूपी इलेक्शन के बाद ये सारा प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। ये यूपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन तक है, इसके बाद इसकी जीवन जो जीवन का स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। इसमें काफी लोगों ने कयास पे लगाई, काफी लोगों ने इस पे डिस्कशन भी की है कि ये जो रिपील हुआ है इसमें वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, व्हिच इनडायरेक्टली डायरेक्टली इवन वी नो कि जिस तरीके से जो पैसा जहां से आ रहा है, कैसे कैसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो कनाडा के हवाले से हो, नॉर्थ अमेरिका के साइड से हो, जिधर से भी पैसा आ रहा था, ये सारा का सारा उसको कर्ब करने के लिए, एंड सर्टन इनपुट्स भी मिले थे कि इस प्रोटेस्ट के आड़ में काफी कुछ किया जा सकता है देश के अंदर। हाउ ट्रू आर दोस सर, अगर आप इस पे कुछ बता सके। ये सारी चीजें सच हैं, इसमें बहुत सारे इनपुट पहले दिन से कलेक्ट किए जा रहे थे, और 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ था वो एनआरकी स्प्रेड करने के लिए था। मैंने हमेशा एक चीज लिखी है, लोगों ने पढ़ी है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ते हैं, कि फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में कांग्रेस को बस लाशें चाहिए, और मोदी ने वो चीज लाशें उनके हाथ में नहीं दी। कांग्रेस किसी भी तरह से चाहती है कि लाशें गिरे, चाहे वो कोरोना काल में माइग्रेशन हो, एक्सोडस हो मुंबई से या दिल्ली से यूपी बिहार के लिए, या कोरोना का स्प्रेड यूपी में हो, या फार्मर प्रोटेस्ट में जब 26 जनवरी को हुआ था उसमें पुलिस का एक्शन होता तो लाशें गिरती,
कांग्रेस को केवल लाश चाहिए, 10-20-50 लाश हो उनके लिए काफी है, वो उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। और जो हमारे भेष में, राइट विंग के भेष में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको मैं पॉपकॉर्न और रायता विंग कहता हूँ, तो ट्विटर पे और फेसबुक पे पैसे लेके लिखते हैं दूसरी पार्टियों से, उनको वही सबसे ज्यादा उछल रहे थे। लेकिन जिनको नेतृत्व पे विश्वास होता है वो नहीं उछलता। मैं तो लॉ भी लिया, जिस दिन लॉ वापस लिया था उस दिन मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, तो मेरे पास मैसेज आया कि गौरव सर ये लॉ वापस ले लिए मोदी ने, कृषि लाओ, ये क्या हुआ? तो मेरा इंस्टेंट जो जवाब था वो ये था कि युद्ध में रणछोड़, कृष्ण का रणछोड़ दास रणछोड़ नाम यूं ही नहीं पड़ा था। तो बाद में फिर मैंने एक दो दिन सोचा, विचार किया कि इस लॉ के हटने से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो अभी आप देखो, आप कांग्रेस पूरी तरह ट्रैप हो चुकी है, पंजाब में उसका अस्तित्व मिट्टी मिल गया, मतलब आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मिट्टी में मिल रहा है, और अगली सरकार भाजपा, अकाली और कैप्टन साहब के मिलके होगी। सर इंटरेस्टिंग, आपने कैप्टन साहब का नाम लिया, क्योंकि कैप्टन साहब की अभी जो मीटिंग, जैसे आपने भी बोला, जो एचएमओ के साथ, अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई, और किन किन लोगों के साथ बैकडोर में ज्यादा हुई होगी वो तो खैर हमसे आपको पता होगा। एक तो सर उसका इम्पैक्ट पंजाब के ऊपर, दूसरा अभी जो सिरसा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, डू यू थिंक दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल प्ले अ मेजर रोल? और ये जो फार्मर बिल रिपील हुआ है, इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ऑफ अ ऑफ अ मूव व्हिच कांग्रेस एंड द अदर पीपल डिड नॉट एंटीसिपेट, स्पेशली अभी यूपी और पंजाब के इलेक्शन आने के पहले। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि बिल वापस होंगे, और बिल वापस होने का क्रेडिट गया कैप्टन अरविंदर सिंह को। तो वो जो एक क्रेडिट उनको गया, तो पंजाब के लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया कि हाँ कैप्टन साहब कुछ कर सकते हैं। तो द मेजॉरिटी इन पंजाब फार्मर बेस हैज गॉन टूवर्ड्स कैप्टन अरविंदर सिंह। सिरसा का ज्वाइन करना उसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि अकाली से निकल के वो भाजपा में गए हैं, सिरसा यूपी में भाजपा के लिए रैली करेंगे, खास तौर से जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है उसमें, वेस्टर्न यूपी शुगर केन बेल्ट है, तो वहाँ पर जाके करेंगे जहाँ से टिकट वगैरह आते हैं। जो मेरा अभी ज़्यादा तो नहीं हुआ कश्मीर के चक्कर में, लेकिन मैं एक छोटे से ट्रिप पे यूपी गया था, जो ज़मीन पे लोग हैं वो योगी जी के साथ है, वो किसी भी रूप में और किसी पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। और देखते हैं, अगर कांग्रेस 40-50 सीट नहीं ला पाई तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी 2024 तक। सर आपने जो कृष्ण जी का एक एग्जांपल देखे, रणछोड़ का एग्जांपल देके आपने एक चीज को समझाने की कोशिश करी। नाउ बिफोर और भी क्वेश्चन जो लोगों के हैं उस उनको लेने के पहले सर एक पॉइंट में यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट इस टाइम पे आस्क करना, आपने एक रिसेंटली एक सर एक मूवमेंट टाइप का, मैं मूवमेंट ही बोलना चाहूंगा इसको, उसको शुरू किया है अबाउट सनातन लीडरशिप प्रोग्राम। सर काफी बड़े बड़े लोग जो एकेडमिक लोग है वो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, सर इसके बारे में इफ यू कैन टेल पीपल अ लिटिल बिट कि क्या है वो, हाउ इज द एग्जीक्यूशन हैपनिंग, हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू इन दिस? सर सनातन लीडरशिप SLP प्रोग्राम, पहली चीज तो कोई मूवमेंट नहीं है बल्कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है जो कि मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ये भारत में रह के विदेश में कॉर्पोरेट्स को पढ़ाता था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था लीडरशिप और मैनेजमेंट पे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप भारत में क्यों नहीं करते। तो भारत के लिए फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा था किस फॉर्मेट में करी जाए, क्योंकि ऑनलाइन मैं करना नहीं चाहता था, मुझे फ्री लोडर्स पसंद नहीं है और सीरियस लोग पसंद हैं, भारत में सीरियस लोग यूट्यूब पे या जूम पे नहीं हैं। फिर दूसरी चीज़ थी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि भारत के लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना कुछ समझते नहीं, तो समझाना, या यूं मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे लिए समझाना आसान होता है अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो पिछले 7 महीने में हमने बहुत रिसर्च करी, HR कुछ HR हेड्स थे IBM के और
डिफरेंट कंपनीज के, उनके साथ मंथन करा, जो हमारे कोलीग रहे हैं लाइफ में कभी, उन लोगों के साथ। इसके अलावा मेरे कुछ फौजी दोस्त थे, उनके साथ भी मंथन करा। तो फिर ये हुआ कि मैं उनको, लोगों को पहले दिन रामायण में भगवान श्री राम की क्वालिटीज़ पढ़ाऊं, दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण को लेके ये बताऊं कि क्वालिटीज़ को डेवलप कैसे करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को, और तीसरे दिन चाणक्य का उदाहरण लेके ये बताऊं कि उन क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट लाइफ में कैसे करना है। तीन दिन करने के बाद फिर ये हुआ कि फील्ड एक्सपीरियंस कहाँ है। तो फील्ड एक्सपीरियंस के लिए मुझे सबसे अच्छी जगह कश्मीर लगी, इसलिए मैं पूरे बैच को कश्मीर ले गया। वहीं मेरा बेस, मेरे लिए तो वो घर है, क्योंकि 370 हटने के बाद अभी तक मैं 27 बार जा चुका हूँ, और अभी 5-10 दिन में फिर से जाने वाला हूँ, 28वां ट्रिप होगा वो मेरा। तो वहाँ पर हमने पहले दिन वॉर मेमोरियल दिखाया, जो म्यूज़ियम है उसमें जो फॉलन सोल्जर्स हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी लाइफ के बारे में बात हुई। उसके बाद हम एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, वहाँ पर गए, वहाँ पर समझा कि हाई एल्टीट्यूड में वॉरफेयर क्या होती है, स्प्लिट सेकंड डिसीजन क्या होता है, ट्रूप्स को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, जो लीडर है उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, कैसे आता है। और उसके बाद फिर हम LOC गए, जहाँ हमारे सामने पाकिस्तान था, तीन तरफ से हम घिरे हुए थे। और मज़ेदार बात यह है कि जब हमारा बैच वहाँ पर पहुँचा, 19-20 लोगों की बस, दो बसेस में थे हम लोग, वहाँ पहुँचे तो सारे पाकिस्तानी पोस्ट एक्टिव हो गए। वो ये देख रहे थे बायनोकुलर से कि क्या एक्टिविटी चल रही है, और हमने भी देखा उनको, वो नज़र गड़ाए, तीनों साइड से हमारे ऊपर थे। तो वहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी कि लाइन ऑफ फायर पे स्प्लिट सेकंड डिसीजन का क्या वैल्यू होती है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। तो ये एक लीडरशिप प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं है। यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे होता है, और उसके बाद आप, उसके बाद जो हमारी HR की टीम है, मेरे जो कोलीग्स रहे हैं, वो उनमें से बैच सेलेक्ट करते हैं 16 लोगों का या 24 लोगों का, और फाइनली उन लोगों को ऑफर होता है कि अब आप फी पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फी हमारी थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ी नहीं मतलब, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। ये IIM अहमदाबाद या IIT की तरह नहीं है, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो फीस हमारी एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंस में हर चीज़ कवर होती है। जो भी कैंडिडेट होता है उसको अपने घर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से वापस अपने घर का ही किराया देना है कैब का, इसके अलावा वो उसके बाद हमारा गेस्ट होता है। तो जो भी उसकी खाना पीना, चाय कॉफ़ी, पिकअप ड्रॉप, ट्रैवल वेरियस प्लेसेस, शॉपिंग वो अपने आप करते हैं, वो उनका एक्सपेंस है, लेकिन शॉपिंग तक ले जाना, मंदिरों की विजिट कराना, वो सारा हमारा काम है। तो सनातन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि सनातन का अर्थ है शास्त्र, शस्त्र और धर्म। तो पहले तीन दिन शास्त्र पढ़ते हैं, अगले तीन दिन शस्त्र पढ़ते हैं, और अंतिम दिन हम धर्म दें। और इट्स ओपन फॉर एवरीवन सर, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए भी ओपन है? नहीं, या एवरी बैच इज डिफरेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द, इट इज अ डायनेमिक कोर्स, इट इज नॉट अ स्टैटिक कोर्स। सो जैसे अभी हम प्लान कर रहे हैं हाउसवाइफ्स के लिए, तो हाउसवाइफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आइडिया किसी हाउसवाइफ ने दिया मुझे, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर द वन हु आर नर्सिंग अवर नेक्स्ट जनरेशन। तो उससे फौज में जो अफसरों की कमी है वो भी आगे जाके पूरी हो, बच्चे मोटिवेट हों फौज के लिए, एक डिसिप्लिन माँ को समझ में आए ताकि वो अपने बच्चे को उसी तरह से नर्स कर सके। क्योंकि इफ यू ट्रेन ए लेडी यू ट्रेन ए जनरेशन, कपल ऑफ जनरेशन, बट इफ यू ट्रेन ए मैन यू जस्ट ट्रेन ए मैन। सो वो कंसेप्ट लेके हाउसवाइफ के लिए है, लेकिन
बहुत से लोगों ने कहा मॉनेटरी फ्रंट पे कुछ गुंजाइश हो तो हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मॉनेटरी फ्रंट पे मेरे हाथ तंग हैं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप भी खुद सोचिए, अगर आप कश्मीर का 7 दिन का ट्रिप बनाएं, फर्स्ट क्लास होटल में रहें, सारे मील चाय कॉफ़ी एवरीथिंग कवर, ट्रैवल पिकअप ड्रॉप साइट सीइंग योर मंदिर योर फौज एंड एवरीथिंग, तब भी बहुत पैसा खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जो भी अभी ऑडियंस देख रही है और आगे भी जो वीडियो इस वीडियो को देखेंगे, माय रिक्वेस्ट विल बी गौरव सर के टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगी जब भी नेक्स्ट बैच के लिए ओपनिंग रहेंगी। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, माय सजेशन विल बी डू इट, क्योंकि जैसे सर ने बताया अलग अलग चीज़ों के बारे में जिस जो एग्जाम्पल दे के जो लाइव तरीके से समझाया जाएगा, दैट इज समथिंग दैट हार्ड टू मिस, इट्स वेरी हार्ड। आई मीन इस कोर्स में बहुत सारा फील्ड एक्सपीरियंस ऐसा है, या कोर्स पूरे 7 दिन ऐसे हैं जो आप यू कैन नॉट बाय इफ यू हैव मनी। तो अगर कोई ये सोचे मेरे पास फीस के पैसे हैं, मेरे को तो ज्वाइन कर ही लूंगा मैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं। पहले तो आपको सेलेक्ट होना, उस फीस सेकेंडरी आती है, पहले नहीं। तो भाई लोग तैयारी करना शुरू कर दो, जैसे आईएलटीएस एग्जाम देते हो बाहर जाने के लिए, वैसे ही सर के लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं हो पाएगी। सर चेन ऑफ इवेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी चीज़ में, और एट टाइम्स पीपल ओवर रीड कर जाते हैं या ओवर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं या ओवर थिंक कर जाते हैं सब चीज़ों के। बट एक चीज़ सर जो रिसेंटली हुई, विच पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से रैंडमली आया है, ये कि CBI ने रिसेंटली जब ये बोला था कि हम US से हेल्प लेने वाले हैं इस बार केस में अबाउट द डिलीटेड चैट्स एंड यू नो ईमेल्स, और कोई भी ऐसा टेक्निकल चीज़ जो मिस आउट हुआ हो वहाँ की एजेंसी से हेल्प लेने के लिए, उसी दौरान सर हमारे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं वो US में उनके एक फ़ोटो देखी गई थी, उनके बाद अचानक से अगले जब लोगों ने टारगेट करना शुरू किया कि पुत्र US में क्या कर रहा है, अचानक से जब CBI ने बोला कि US के हेल्प ले रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंगली द वेरी नेक्स्ट डे ट्विटर पर सर उनके UK की पोस्ट आने शुरू हो गया कि वो तो UK में है। अब वो फोटो एक दो दिन पुराना हो सकता है, जब का भी हो सकता है, बट वो रिएक्शन काफ़ी तगड़ा था सर कि इमिजिएटली एक क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेगी सोशल मीडिया पे कि वो US में नहीं है। UK में सर हमारे जो एक परिपक्व बालक है 50 साल के युवा नेता हैं जिनके नाम के आगे होना तो खान चाहिए सर, पर गांधी लगातार do you see any connection जहाँ पे ये पॉलिटिशियंस फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं अचानक से, और राहुल गांधी भी वहीं थे UK में, अपेरेंटली आदित्य ठाकरे भी था, सो आई एम जस्ट ट्राइंग एम आई रीडिंग टू मच इनटू इट यहाँ पे सर, क्योंकि राहुल गांधी का तो हमको पता है इसको गाइडेंस मिलती रहती है बाहर के देशों से राइट बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन। नहीं संदीप, 2014 के बाद सारी स्ट्रेटजी बाहरी बनती है, भारत में नहीं बनती है, भारत में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जो भी ताकतें हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो बनती बाहर है, और ख़ास तौर से वो UK और US में बनती है। UK एक तरह से सेफ हेवन माना जाता है, तो वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। जनरली जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं वो मिलते हैं बैंकॉक में, बैंकॉक से कुछ 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर मिलते हैं। और UK में ये सारी मीटिंग होती हैं, तो ये तो अब लोग भी समझना शुरू कर दिया है कि अगर खान साहब UK में हैं, बच्चा खान UK में है, तो मतलब आने के बाद कुछ कांड होगा। और जैसे मैंने पहले बोला था, माता जी जब पार्लियामेंट में गिर गई थी तो वो एक एक्सक्यूज क्रिएट करा गया था अमेरिका जाने का। तो आपने देखा होगा माता जी कहीं नहीं जाती, ना दुबई जाती है, ना UK जाती है, ना अपने माँ से मिलने जाती है, माता जी केवल US जाती है। बिल्कुल। और US में वो लिबरल लीली कवाल है जो माता जी की बेसिकली फंडिंग और हायर लेवल स्ट्रेटजी देखता है। बालक जो है वो UK जाता है और थाईलैंड जाता है, और वो कोई मसाज कराने नहीं जाता है, वो थाईलैंड इसलिए जाता है कि ताकि वहाँ से ट्रैवल ट्रेस आउट ना हो, क्योंकि आप जब थाईलैंड जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है भारतीयों को,
तो आप जब बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद उसमें कोई स्टैंपिंग नहीं होती है, तो आप बाहर निकलने के बाद दूसरे गेट से अंदर वापस घुस जाइए अपना ब्रिटिश पासपोर्ट लेके, और उस पर फिर वो ब्रिटिश स्टैंपिंग हो जाती है। ओके। तो आप एक तरह से अपनी ट्रैवल को अनोनिमस रखते हैं, वो एक तरीका है। लेकिन हमारे भारतीय मित्र जो हैं यूके में, यूएस में, वो भी कम जासूस नहीं है, अब तो सबको जासूसी का नशा चढ़ चुका है, तो हम लोग ट्रेस आउट करते हैं। जहाँ तक आपने छोटे युवराज की बात करी है हमारे महाराष्ट्र के, तो ये तो बिगड़ी औलाद हैं, ये तो सभी जानते हैं। अब इनके बारे में चैनल पे बैठ के कुछ बोलना तो मुझे नहीं लगता शालीनता होगी, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। क्योंकि किसी को, महिला को अगर बॉलीवुड ज्वाइन करना है तो उसको दो जगह ही माथा टेकना होता है, एक क्लिफ्टन रोड पे और एक युवराज के घर पे। बाकी तो जो फैमिली हिस्ट्री है वो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ। कौन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, ये नहीं पता। सर आपने कहा किसी लेडी के लिए नहीं बोले थे सर, एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो अभी रिलीज हुई थी 2 दिन पहले, जहाँ पे हमारे बॉलीवुड की एक सेलर है सर, एक दुकान चलती है वाइब्रेटर सेलर कहती है अपने आप को, कि आई इंट्रोड्यूस्ड वाइब्रेटर इन इंडिया, इनके नाम लोग उनको प्यार से सर स्वरा भास्कर कहते हैं, स्वरा नहीं कहते, स्वरा कहते हैं, स्वरा भास्कर। उनका एक वीडियो आया सर जहाँ पे ममता बनर्जी के सामने वो दुहाई लगा रहे कि देखो हमारा मुनव्वर को काम नहीं मिल रहा, हमारे आकाश को काम मिल रहा, जयवीर को काम नहीं मिल रहा, तेजवीर को, पता नहीं 50 नाम गिना दिए, 5-6 लोगों को पीछे खड़ा भी कर दिया मुनव्वर जैसे लोगों को कि काम नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में एक वीडियो आया था सर कुछ साल पहले, जहाँ पे जब इमरान खान की सरकार आई थी मेरे ख्याल में, नई नई उस टाइम पे, जहाँ पे किसी ने एक दादी से पूछा था कि इस सरकार से खुश हो कि नहीं हो, तो उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि हमारे पास तो पानी भी नहीं है इसका पिछवाड़ा साफ करने के लिए कि क्या करें करके। तो उसको, उस ऑडियो को किसी ने स्वरा भास्कर की ऑडियो के ऊपर लगा के सर उसको रिलीज कर दिया। नाउ जोक्स अपार्ट सर, स्वरा भास्कर का ममता बनर्जी के साथ ऐसे सामने सामने सर ऐसे एक कॉन्वर्सेशन होना, महेश भट्ट का मिलना, जावेद अख्तर का मिलना, बॉलीवुड, वी ऑलवेज न्यू बॉलीवुड इज नोटोरियस, बॉलीवुड का हमेशा से अंडरवर्ल्ड के साथ, माफिया के साथ रिलेशन रहा है, लेफ्टिस्ट के साथ, एंटी नेशनल लोगों के साथ, बट डोंट यू थिंक अब वो लोग ओपन में आ गए कि कम वॉट में जो अदर साइड ऑफ द इंडिया है विच इज ट्राइंग टू बी, विच इज शोइंग इज नेशनलिस्टिक साइड, उसको किसी भी तरीके से कर्व करना है, एंड बिकॉज बॉलीवुड का जो रीच बहुत ज़्यादा है, स्पेशली विद द NRI डेमोग्राफिक जो है जिसको ये टारगेट कर सकते हैं, डू यू थिंक एवरीथिंग इज हैपनिंग वे टू ओपन? संदीप, इसीलिए मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को कि सुशांत सिंह राजपूत का जो जाना हुआ डिपार्चर था वो एक तरह से ब्लेसिंग है बॉलीवुड को सफाई करने, और आज उस सफाई का नतीजा ये हो रहा है कि ये सारे लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, जो कभी लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करते थे अब वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जहाँ तक ये स्वरा भास्कर नाम की चीज़ जो है, लोग नहीं जानते, ये एक नेवी ऑफिसर की बेटी है, माँ इनकी प्रोफेसर थी JNU में, या शायद है लाल सलाम को बिलोंग करती हैं, और इनके पिताजी जो थे नेवी में, उनका कहानी ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर गुजराल को बोला था कि हमारे जो सीक्रेट एसेट्स हैं रॉ के, इंटेलिजेंस के पाकिस्तान में, उनकी लिस्ट पाकिस्तान को दे दी जाए, इससे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। नतीजा ये हुआ कि हमारे सारे एसेट्स को, इन्फॉर्मर्स को, एजेंट्स को, ऑफिसर्स को पाकिस्तान में मार दिया, और हमारा टोटल पाकिस्तान पे के अंदर जो नेटवर्क कंट्रोल था, इंटेलिजेंस कंट्रोल, वो ख़त्म हो गया गुजराल साहब के टाइम में। बेवकूफ़ी थी, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कोई प्रधानमंत्री इस लेवल की बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं, पर खैर वो हुआ और उसको फिर बनाने की कोशिश की गई। 10 साल वो नहीं बना, मोदी जी के समय में वो बनना शुरू हुआ है, अभी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि कोई भी एसेट बनाने में 10-15 साल लग जाते,
ये जितनी स्वरा भास्कर वगैरह हैं ये अनएम्प्लॉयड हैं। दुख की बात ये है कि ये कांग्रेस जो अपने आप को 100 साल सवा 100 साल पुरानी पार्टी बोलती है, जो कि फैक्ट नहीं है, क्योंकि 1910 में कांग्रेस का चीफ जो था वो एक ब्रिटिशर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर था, ना कि कांग्रेस का कोई पॉलिटिशियन। खैर वो अपने आप को 100 साल बोलते हैं, 125 साल बोलते हैं, वो अपनी बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज उन्हें दो कौड़ी के मुनव्वर राणा को लेके वो एक जीवन ढूंढ रहे हैं, राजनीतिक जीवन ढूंढ रहे हैं। और कांग्रेस को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जितने वो और उनके बिके हुए लोग स्वरा भास्कर इत्यादि जैसे लोग जब भी ऐसी बात करेंगे तो वो आप पोलराइज करोगे और आप मुनव्वर राणा के अगेंस्ट ही लोगों को खड़ा करोगे। क्योंकि भारत का कोई भी सनातनी, सच्चा सनातनी हो, चाहे वो प्रैक्टिस करता हो, धर्म की पूजा पाठ करता हो या ना करता हो, लेकिन माता सीता राम के लिए अपशब्द सहन नहीं होंगे। आप अगर हिम्मत है तो आप अपने मजहब के जो हैं उनके बारे में बोल के देखो, आपका गर्दन 2 दिन में कट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन हमने गर्दन तो नहीं काटी ना, हमने तो केवल बहिष्कार करा। तो मेरे ख्याल से अगर उस मुनव्वर राणा जैसे दो कौड़ी के कॉमेडियन जिसको प्रभु श्री राम का और माता सीता का सहारा लेना पड़े बदतमीजी करने के लिए, अगर उसका शो देखने कोई भी हिंदू जाता है, तो मेरे ख्याल से तो उस हिंदू को डूब के मर जाना चाहिए। मैं कट्टरवाद में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं शांति से काम करता हूँ। लेकिन मैं आज बोलना चाहूँगा कि अगर उसका शो भारत में कहीं भी होता है या उन जैसे लोगों का शो भारत में कहीं भी होता है, तो अब मैं हिंदू मित्रों को यही बोलूँगा, ये आपके मुंह पे थप्पड़ होगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। सर इसमें फिर वही बात आ जाती है ना कि हम कुछ बोले तो वो इनटॉलरेंस है और तुम बोलो तो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर क्योंकि 70 साल से भारतीय हिंदुओं को जो भारत में है उनको इस तरह का बनाया गया है कि हम चुपचाप सह लेते हैं, हम कोई चीज़ बोलते नहीं। और आज जब वो हिंदू बोलने के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको इनटॉलरेंट बोला जाता है, क्योंकि आपने एक जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करा है। तो जब आप स्टेटस को चैलेंज करेंगे तो रिएक्शन तो होंगे, लेकिन सवाल ये क्या हम उन रिएक्शंस को किस रूप में लेते हैं। मेरे ख्याल से तो ये बैच ऑफ ऑनर होना चाहिए किसी के लिए भी कि हम माता सीता हमारे जो देवी देवताएं हैं उनकी मजाक हमें सहन नहीं है। कॉमेडी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, आप मोदी पे कॉमेडी करो, आप मेरे पे कॉमेडी करो, आप अमित शाह पे कॉमेडी करो, आप किसी पे भी कॉमेडी करो, लेकिन भगवान श्री राम, माता सीता, कृष्ण इत्यादि, शिवजी, इन पे कॉमेडी करना, बदतमीजी से बोलना, ये तो ओछी मानसिकता का उदाहरण है और तो कुछ नहीं। और इन सब चीजों के बीच में सर ये संजय दत्त जैसे लोगों को अरुणाचल प्रदेश का स्टेट उठा के अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देता है, ये इस देश में तो विडंबना यही है ना सर कि इवन दो वी टॉक अबाउट इट वी नीड टू रेक्टिफाई। आप एक यार्ड स्टिक में देख रहे हो संजय दत्त को, अरुणाचल प्रदेश को। पहली चीज तो सभी को विरोध करना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए, अरुणाचल सरकार को लिखना चाहिए। अरुणाचल मेरा एक प्रिय राज्य रहा है बहुत कारणों से, मैं काफी समय अरुणाचल में बिता चुका हूँ। और अरुणाचल एक ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जहाँ हिंदी लगभग ऑफिशियल भाषा है, सभी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा मंदिर अगर किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है तो वो अरुणाचल में है। लेकिन संजय दत्त को लेने के पीछे एक कारण ये है कि सोशल मीडिया पे आप कितना शोर मचा लीजिए, जमीन पे अभी भी लोग फिल्मों को लेके पागल हैं। और मेरी एक रिलेटिव्स अभी एक रशियन फेडरेशन कंट्री में पोस्ट हुई हैं इन एम्बेसी, वो बता रही थी कि उस कंट्री के लोग तो फिल्मों के दीवाने हैं। तो ये जो दीवानगी है ज़मीन की,
इसको भी मिटाना जरूरी है। और उसी के कारण सरकारें कई बार, सरकारें तो हम नहीं कहेंगे लेकिन जो हमारे बाबू लोग हैं वो उस तरह का डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि जनरली बाबू, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, लेकिन अधिकतर बाबू कुएं के मेढक से ज़्यादा कुछ नहीं होते। तो ना वो सोशल मीडिया रिएक्शन पढ़ते हैं, ना पब्लिक सेंटिमेंट्स जानना चाहते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं, वो एक आंख बंद करके डिसीजन ले लेते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध होगा कि आप अरुणाचल सरकार को अपने जो भी माध्यम आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, उसको करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, उनको बोलिए ये ब्रांड एम्बेसडर कैंसिल करा जाए। आप किसी स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, किसी और व्यक्ति को ले लीजिए, लेकिन बॉलीवुड का कोई हम सहन नहीं करेंगे। आप सब लोग उसका प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। सर, आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली आज की जिस जनरेशन में हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में काफ़ी लोग खुश हो गए कि ट्विटर का CEO जो बना, पराग जो भी नाम है उनका, CEO कह रहे हो, जो भी जिस प्रोफाइल पे भी गए हैं सर, मैं तो उनको ज़्यादा ऐसे देखता भी नहीं। द रीज़न बीइंग इवन ही हैज़ दिस नोटोरियस हिस्ट्री ऑफ लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। आपका सर अगर कोई इसके ऊपर इनपुट है तो सर वो। दूसरा ये कि ट्विटर जैसी चीज़, सोशल मीडिया जैसी चीज़ जो इम्पैक्ट करती है काफ़ी डिसीजन मेकिंग ट्रेंड्स को, हाउ डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन हैंडल अ टेक जायंट लाइक दिस, स्पेशली जहाँ पे जो नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा, उनके ट्वीट्स को क्लासिफाई कर दिया गया मैनिपुलेटेड मीडिया बोल के, तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सकता है सर? इज़ द गवर्नमेंट थिंकिंग समथिंग अबाउट इट? देखो, पहली चीज़ तो पराग अग्रवाल हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कोई भी हो, इनकी सबकी लेफ्ट लीनिंग है और ये सारे अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को चलाते हैं, तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को चलाने के लिए भारत का होना ज़रूरी है या नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा उनका कंट्रीब्यूशन कोई कम है, हमें भी गर्व होता है कि भारत के लोग विदेशों में जाके अपना झंडा गाड़ रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम पराग के अपॉइंट होने पे ताली पीटते हैं और उससे हजार गुना ज़्यादा जॉब अंबानी अडानी क्रिएट करते हैं भारत में, हम उन्हें गाली देते हैं। ये भारतीय सोच जो है, कॉलोनियल सोच जो है, ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप पराग को अप्रिशिएट मत करो या सुंदर को अप्रिशिएट मत करो, बिल्कुल करना चाहिए, जो भी हमारे उच्च पदों पर पहुँचे उन सबको करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि उन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया है, वो भारत के सिटीज़न, मेरे ख्याल से तो भारत के सिटीज़न नहीं है, ठीक है ना, वो भारत ओरिजिन हो गए हैं, इंडियन ओरिजिन CEO, इंडियन CEO नहीं, इंडियन ओरिजिन CEO। तो उन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। जब मैं US में था तो हम बात करते थे ऐसे लोगों को, ABCD बोलते थे, अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी, वो उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं। जब चाइना का कोई व्यक्ति अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को हेड करता है तो वो चाइना के लिए काम करता है। तो ये बहुत शूड स्टेप जैक ने उठाया, क्योंकि जो नेगेटिविटी ट्विटर की थी उसको खत्म, और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि चाइना में ट्विटर ब्लॉक है इसलिए इंडिया ही उसका सबसे बड़ा मार्क है, तो वहाँ पर इंडिया मार्केट है, तो वहाँ इंडिया में स्प्रेड करने के लिए उसने पराग का कंधा इस्तेमाल करा है। और वो सब जानते हैं कि हम इमोशनल लोग हैं, तो पराग को अपॉइंट करके, और हमारे यहाँ तो मैं देख रहा था कुछ कमेंट, कुछ हमारे जो अग्रवाल मित्र हैं, जो बनिया मित्र हैं, वो खुश हो गए कि बनिया वहाँ पर अपॉइंट हुआ है, लोग खुश हो गए कि एक इंडियन अपॉइंट हो गया। मेरी सोच ये है एज ए प्रोफेशनल कि ही इज़ जस्ट ए प्रोफेशनल हु विल वर्क फॉर ए अमेरिकन कॉर्पोरेट, हिज इंटरेस्ट टू इंडिया वुड ऑलवेज बी सेकेंडरी, ठीक है ना, इंडिया का इंटरेस्ट उसके लिए सेकेंडरी होगा, पहला इंटरेस्ट उसका अमेरिकन कॉर्पोरेट के लिए। इससे ज़्यादा मैं ऐसे देखता नहीं, मैं ना नाचूंगा इस बात पे, ना दुख मनाऊंगा, मैं मन का शांत हूँ। ट्विटर मैंने छोड़ दिया है,
मैं ट्विटर पे आने वाला नहीं हूँ, मेरा टेलीग्राम मस्त चलता है, 40-50 हज़ार फॉलोअर वहाँ पर हैं, हर पोस्ट को 18-19 हज़ार लोग पढ़ते हैं, कम से कम अपनी रजिस्ट्री दर्ज कराते हैं, मैं वहाँ पर खुश हूँ, शांति है, ज्ञान बांटता हूँ, लोगों का जीवन सुधरे, अच्छा हो, उनका कैरियर आगे बढ़े, उनको अच्छी चीज़ समझ में आए, पॉलिटिकल करेक्ट अनबाइस पॉलिटिकल एनालिसिस हो, मेरी बस यही कोशिश है। बाकी लड़वाने वगैरह के काम के लिए लोग ट्विटर पर बैठे हुए हैं, वो अपना काम करते हैं ना, यूट्यूब पर भी बैठे हैं वो लड़वाते हैं। यूट्यूब पे तो सर बहुत है, मैं तो यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं खतरनाक से सर, खतरनाक चीज़ों में सर हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो मैंने आपके साथ हमेशा बात करी है हर सेशन के अंदर। इस बार भी किसी ने एक क्वेश्चन भेजा है कि अगर कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में ऐसे हैं विच यू थिंक कैन इम्प्रूव द रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, अगर इसके बारे में आप कुछ इनपुट देना चाहें। नहीं, जो रूरल हेल्थ केयर है उसमें मैं इनपुट सरकार को दे चुका हूँ अपने जो भी है। एक मेरा बेटा जब 11th में था तो उसने एक ऑटोमेटेड डायग्नोस मशीन बनाई थी, जो नेशनल साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट अवार्ड मिला था उसे, के जो CBSE का नेशनल साइंस एग्जीबिशन होता है उसमें उसे फर्स्ट अवार्ड मिला था। वो फिर गुजरात के CM के इनवाइट पे गुजरात भी गया था अपनी मशीन को डिस्प्ले करने। तो उस तरह से मैंने बताया, जैसे मैंने पहले बोला हमें हब एंड स्पोक मॉडल यूज़ करना होगा, हर गांव में हॉस्पिटल तो हो नहीं सकता, प्राइमरी हेल्थ केयर होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट में छोटा हॉस्पिटल हो, उसके बाद एक सेंटर प्लेस पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। तो वो चेन पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार आज के दिन में वो चीज़ ध्यान दे रही है और इस चीज़ को डेवलप कर रही है, तो धीरे धीरे वो डेवलप होगा। आप कोई चीज़ ओवर 135 करोड़ के देश में एक दिन में तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी ना, 5-6 साल में बिल्कुल तो चेंज नहीं होंगे, आपको 10-15 साल तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल। और ये जो सर नया वेरिएंट अचानक से उभर के आया है कोविड का, ओमिक्रॉन, हैव यू रेड अबाउट इट कि हाउ डेंजरस इट इज कंपेयर टू द अदर प्रीवियस वेरिएंट्स? संदीप, इन चीज़ों पे ना मैं अपना दिमाग खराब नहीं करता, जब होगा तो देखा जाएगा, मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन जो भगवान ने जीवन दिखा है उसको कोई काट नहीं सकता और उसको कोई बढ़ा भी नहीं सकता, तो अंतिम समय तो सबका लिखा हुआ है, देखा जाएगा जो होगा। ओमी हो, आमिर खान वेरिएंट है ना वो, उसको आमिर खान वेरिएंट बोलते हैं। सर वो नाम भी मैच ही करता है, मैं कह रहा ओमिर ओमिक्रॉन सब सर। चाइना का क्रिएटेड है, ये सब ट्रेड वॉर है और कुछ नहीं है, डोमिनेंस इन द वर्ल्ड, वो जो भूख है चाइना की उसके ऊपर है और कुछ नहीं। नाउ बिकॉज चाइना इज द वेल्थीएस्ट कंट्री सर, किसी ने एक सवाल पूछा था, हालांकि मैं उसको ट्विस्ट करके अपना थोड़ा चेंज करके पूछने रहता हूँ सर, कि WHO का जो चीफ है वो नाम के लिए डॉक्टर है, एज इट इज ही डज नॉट हैव अ वेरी हाई रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग थिंग्स एंड एज अ एकेडमिक पर्सन, उसके अंदर चाइना का कंट्रीब्यूशन, चाइना का पैसा WHO में, एवरीवन नोस कि चाइना इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर और चाइना के ऊपर ही चल रहा है WHO, एंड जो वो बोलता है WHO वही करता है, अदरवाइज दिस थिंग कुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ एट द वेरी ऑनसेट इटसेल्फ। हाउ डू यू थिंक कंट्रीज लाइक US जो पीछे हो रहा है रेस में अब अपेरेंटली स्पेशली वेल्थ के मामले में, एंड अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हाउ डू यू थिंक दिस कैन काउंटर चाइना, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका चाइना वेल्थीएस्ट कंट्री भी बन ही गया है, आर्मी उसकी ऑलरेडी, नेवी इज टेकिंग ओवर US, तो हाउ कैन वन एक्चुअली टैकल चाइना, और डू यू थिंक अभी चाइना का टाइम है, थोड़े टाइम बाद उसके बाद इंडिया का नंबर है, बट फिलहाल चाइना इज द नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड कम्बॉट में? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, चाइना इज नॉट नंबर वन, दे माइट बी नंबर वन फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, पर चाइना का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आज यूनिकॉर्न्स भारत में सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना इज स्ट्रगलिंग बिकॉज जितने लोगों को उन्होंने जो उन्होंने डॉक्ट्रिन शुरू करी थी लोन दे के कंट्रियों को फंसाने की, बहुत सारी छोटी कंट्री डिफॉल्ट कर रही हैं, चाइना के अपनी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है,
जो उनका सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी 300-400 बिलियन डॉलर का जो एक कंपनी थी, नाम भूल गया मैं ठीक से नाम, वो लगभग बैंकक्रप्ट हो चुकी है। उसके साथ साथ और छोटी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो रही हैं। श्रीलंका ने ऑलरेडी उनको आंख दिखानी शुरू कर रही है, हम्बन टोटा डाउटफुल क्लास में आ गया, ईरान आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान ही एक ऐसा बचा है जो पेट के बल चाइना के आगे लेटता है, बाकी तो बहुत सी कंट्रियों ने लेटने से मना कर दिया है। स्मॉल कंट्रीज लाइक शेशल्स एक्सेट्रा, दे हैव स्टार्टेड रिफ्यूजिंग चाइनाज लोन। तो आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग है। रहा सवाल चाइना नेवी का या चाइना मिलिट्री का, तो साइज डजंट मैटर मच, वेदर यू हैव द विल टू फाइट और नॉट। और चाइना इज अ नॉन फाइटिंग मिलिट्री, चाइना की मिलिट्री ने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। चाइना कभी कोई लड़ाई डायरेक्ट नहीं लड़ता है, उसने पाकिस्तान को इसीलिए पाला हुआ है कि वो चाइना के बिहाफ पे जाके लड़ाई लड़े, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ अफगानिस्तान में हो या और जगह हो या भारत के साथ भी हो, तो पाकिस्तान को ही ऑर्डर आगे करेगा। क्योंकि चाइनीज फोर्स दे माइट हैव वेपन्स, दे माइट हैव सबमरीन्स, दे माइट हैव एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दे माइट हैव द बिग नेवी, बट दे आर नॉट अ फाइटिंग फोर्स। और उसका एक एग्जांपल ये है कि चाइना ने अपने लोग शायद कनाडा भेजे हैं और गिलगित बल्किस्तान में भी जाके वो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें इंडिया 1948 से एक्सपर्टीज है। इंडिया का जो पहला हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, जहां सनातन लीडरशिप के सारे पार्टिसिपेंट्स भी गए थे एक दिन बिताने, वो 1948 में स्टार्ट हुआ था। तो हमारी वॉरफेयर स्ट्रेंथ 1948 से है, जबकि चाइना की वो स्ट्रेंथ है ही नहीं आज की डेट में। अभी तो उन्होंने विदेशों में ट्रेनिंग शुरू करी, उनके पास इंस्ट्रक्टर भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक चाइना इज अ थ्रेट। चाइना में इंटरनल रिवोल्ट बहुत ज़्यादा है, वॉल्केनो इरप्ट होने का लेवल पे है, और इसी का कारण ये है कि पिछले 2 साल में शी जिनपिंग चाइना के बाहर नहीं गए हैं, और जो भी उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन भी हैं, क्योंकि ही नोस कि अगर वो बाहर जाते हैं तो चाइना में रिवोल्ट हो जाएगा, और सबसे पहले CCP में ही होगा, मिलिट्री में रिवोल्ट होगा। और जब भी वो इंटरनल थ्रेट चाइना के ऊपर आता है तो चाइना एक एक्सटर्नल एनिमी क्रिएट करता है ताकि वो इंटरनल थ्रेट को दबा सके। और यही कारण है कि चाइना ने गलवान फ्रंट खोला या अरुणाचल फ्रंट खोला, और यहाँ पर लद्दाख के एरिए में फेस ऑफ है, और उसका मुख्य कारण ये है, या ताइवान के साथ है। चाइना को एक्सटर्नल एनिमी चाहिए किसी भी कीमत पे, जो कि ताकि उसका इंटरनल थ्रेट को वो संभाल सके, और वो कारण भारत तो दे नहीं रहा है। सर, इसमें टेक्नोलॉजी अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि चाइना इज नोन टू बी नोटोरियस साइबर स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा, एंड 2014 में मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का यूज किया था अपनी पार्टी की छवि को इम्प्रूव करने या वाइड रीच कराने में और एक पॉपुलैरिटी हासिल करने में, विच द क्वेश्चन जो आया है सर, विच सीम्स लाइक कि इट्स नॉट द सेम सिनेरियो एज ऑफ नाउ 2021 में। द पर्सन हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन ये है सर कि हैज बीजेपी लॉस्ट अ लिटिल पावर इन द सोशल स्पेस, जहां पे ये पहले था, क्योंकि अदर पार्टीज आर गेनिंग अप, और what does the scenario look like? नहीं, BJP has not lost any strength on social media. BJP still has many strength. और उसका strength का कारण ये है कि हम BJP के जितने supporter हैं, they are not governed by IT cell. IT cell के लोग हमारे लिए मायने नहीं रखते। मैं उनके लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, वो आप समझ जाइए। लेकिन उनका होना ना होना बेकार है,
और जो भी कंटेंट क्रिएटिंग क्रिएशन है वो वही लोग कर रहे हैं जो भाजपा के मेंबर भी नहीं है लेकिन मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो भाजपा की स्ट्रेंथ सोशल मीडिया पे कम नहीं हुई है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाजपा के नेताओं को मेरे ख्याल से सीखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो अपने गुणगान के लिए करें या राष्ट्र को जोड़ने के लिए करें या अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए करें, ये उनको उनको मंथन करना होगा, क्योंकि आज की डेट में तो ये लोग अपना गुणगान करने में ही मशहूर हैं, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा पता नहीं, थोड़ा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर, कि हाउ टेढ़ा लॉन्ग विल इट क्वेश्चन है ना, सीधा बोल रहे। टेढ़ा क्वेश्चन है सर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द गवर्नमेंट टू पुट बिहाइंड नेहरू फैमिली बिहाइंड बार्स, बेसिकली कि नेहरू फैमिली को सब जेल में डाला जाएगा। मैं इस चीज का जवाब बहुत बार दे चुका हूँ संदीप। जेल इज नॉट एन ऑप्शन इन पॉलिटिकल फाइट। अगर आप किसी को पॉलिटिकल फाइट में जेल भेज देते हो, आप रिवाइव कर दोगे। आपने नेशनल हेराल्ड केस में दोनों को, माँ बेटे को जाके जमानत लेनी थी, 8 किलोमीटर की दिल्ली जाम हो गई थी। आपको लगता है जेल में डाल के, चरण सिंह ने जो गलती करी थी इंदिरा गांधी को एक दिन जेल भेज के और उसके बाद इंदिरा गांधी थंपिंग मेजोरिटी से वापस आई, वो गलती मोदी जी रिपीट नहीं करेंगे। तो जेल इज नॉट एन ऑप्शन। घसीट घसीट के उनकी वैल्यू इतनी खत्म कर दो कि लोग पूछना बंद कर दे। और आप देखो उसका उदाहरण यह है कि आज कांग्रेस को मुनव्वर राणा जैसे, वो मुनव्वर राणा नहीं, क्या नाम था उसका कॉमेडियन का, मुनव्वर फारूकी, 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 हाँ सॉरी मुनव्वर क्या फारूकी, नाम, मुनव्वर फारूकी। हाँ आज कांग्रेस को मुनव्वर फारूकी का सहारा लेना पड़ रहा है, कंधे लेने पड़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा बदतर जिंदगी कांग्रेस की क्या होगी कि आपके कद्दावर नेताओं की भी वैल्यू नहीं रही, आपको एक दो कौड़ी के कॉमेडियन की, चीप लैंग्वेज वाले कॉमेडियन की आपको सहारा लेना पड़ रहा है अपनी पार्टी को चलाने के लिए, या बंटी बबली को कपड़े बदलने पड़ रहे हैं, मंदिर भागना पड़ रहा है, मंत्र गाने पड़ रहे हैं, रुद्राक्ष मालाएं पहननी पड़ रही हैं, तिलक लगाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा घसीटना और क्या कहेंगे भाई। सर मेरे ख्याल में अ लॉट ऑफ पीपल हैव हु जो आपको स्पेशली फॉलो करते हैं वो तो इस चीज को मान ही चुके हैं कि रेपुटेशन डेंट तो काफी कर दी है बीजेपी ने कांग्रेस की, स्पेशली इन द लास्ट 10 इयर्स, एवर सिंस मोदी जी ने एक फ्रंट रनिंग पे जब आए थे फॉर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, तब से काफी चीजें जो देश को नहीं पता थी वो पता चलना शुरू हो गया। मे बी दैट इज द रीजन वाई इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कि दूसरा साइड विच इज अस वी हैव स्टार्टेड टू टॉक नाउ। नाउ स्टार्टेड टू टॉक में सर, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जमीन के ऊपर यूपी में लोग योगी जी के साथ हैं। नाउ एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ बंगाल इलेक्शन वॉज सर रोहिंग्यास का जो इन्वेजन था, जो नकली आईडी से वोटिंग हुई, जो नकली वोटिंग हुई वहाँ पे। डू यू थिंक ऐसा कोई सिनारियो यूपी में भी दिखाई देता है? और एंड आई एम प्रीटी श्योर योगी इज क्वाइट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, बट अटेम्प्ट तो होंगे सर फॉर श्योर। नहीं, अभी अभी तो लड़ाई शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो महाभारत होगी, मिनी महाभारत है। तो अभी आप दिसंबर खत्म हो जाने दीजिए, आपको 15 दिसंबर के आगे जाके जनवरी फर्स्ट वीक से भयंकर पॉलिटिकल फाइट दिखने को मिलेंगी, पोलराइजेशन होगा। और लेकिन जमीन पे लोग महाराज जी के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने बदलाव देखा। दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, जो सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट भाषणबाजी करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, मोदी के अगेंस्ट, योगी के अगेंस्ट, हाँ उनको ये लगता है। मैं एक चीज़ इस्तेमाल मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, उसको गलत शब्दों में ना लें। मैं हमेशा कहता हूँ जो अपनी 70 किलो की बीवी और 26 किलो के बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं, वो योगी मोदी को एडवाइस करते हैं रोज सुबह उठ के। तो ऐसे लोगों को अनफॉलो कीजिए, ऐसे लोगों को पढ़ना बंद कीजिए, इन लोगों का रिलेवेंस नहीं है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। और जमीन अलग है, सोशल मीडिया अलग है,
आप कितना भी यूट्यूब बना लीजिए, कितना शोर मचा लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। तो आपने भी देखा होगा संदीप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आज के टाइम में, ज्ञान गाथा चलाते हैं और रोज सुबह सुबह उठ के ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं, मोदी जी को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, जो फार्मर बिल पे भी है। अब अगर आप मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट हैं, वैसे तो ऐसे दो कौड़ी के जर्नलिस्ट यूट्यूब पे भरे पड़े, मैं उन्हें जर्नलिस्ट नहीं मानता, दो कौड़ी के जर्नलिस्ट हैं जर्नलिस्ट के नाम पे। कल तक जो प्रॉन साइट चलाते थे आज वो सनातन की बात करते हैं, और कल तक जो कांग्रेस की गोद में राजस्थान में बैठे हुए थे प्रमोशन के लिए, आज वो मोदी की बात करते हैं और मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। इन लोगों की मानसिक अवस्था है ही नहीं कि ये सेंसिबल बात करें, क्योंकि जब आप किसी चैनल पे होते हैं, जब आप किसी कोई ट्वीट लिखते हैं, तो एक बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आप क्या लिखें। मैं ये नहीं कह रहा आप मोदी की चमचागिरी कीजिए, आप बेशक मोदी जी से सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। क्रिटिसिज्म विदाउट ए सोल्यूशन इज ओनली एन अब्यूज, इट इज़ नॉट क्रिटिसिज्म। सो आप क्रिटिसाइज अगर सरकार को कर रहे हैं तो आप ये बताइए ना आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन दीजिए। और राजनीति, एक राजनीति कोई ऐसी चीज़ तो स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है, ठीक है, राजनीति बहुत टेढ़ी खीर है। तो अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के किसी को जेल में डाल दिया जाएगा, किसी को गोली मार दी जाएगी, मोदी जी खुद AK-47 लेके गोली मारना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से आप ये भूल जाइए, क्योंकि ब्लीड विदाउट ए बुलेट फायर्ड, दैट इज व्हाट मोदी बिलीव्स इन एंड ही हैज प्रूवन दैट। और सर फिर हमारे एक दूसरा एक वो बालक है लंबी नाक वाला, जिसके पिताजी बड़े गर्व से कहते हैं हिंदुओं को गोली मरवा दी, कासिरों को गोली मरवा दी, उनके तो विचार ये है कि अयोध्या को ही नामकरण कर देंगे नया उनका, यही सर अभी उनकी पॉलिसी भी नहीं। तो ये तो हिंदुओं को देखना है कि क्योंकि देखिए क्या है, हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम यही है कि हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, हम ज़्यादा दिन कोई चीज़ याद नहीं रख पाते, और हम सेकुलरिज्म के सताए हुए तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे अंदर सेकुलरिज्म ठोक ठोक के भर दिया गया। हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम धर्म से जुड़े हुए हैं ही नहीं। जो हिंदू आज आप सर्वे अपने घर में भी कर लीजिएगा, अपने रिश्तेदारों में कर लीजिएगा, अगर भगवान श्री राम की आप पूजा करते हैं और वहाँ से काम ना बने तो आप कृष्ण के पास चले जाते हैं, कृष्ण के पास काम ना बने तो आप महादेव के पास चले जाते हैं, 5 सोमवार का व्रत रखना शुरू कर देते हैं, वहाँ काम ना बने तो आप दुर्गा माता के पास चले जाते हैं, वहाँ भी काम ना बना तो चांद मियाँ के पास चले जाते हैं शिरडी में, और चांद मियाँ से भी काम नहीं बना तो फिर आप मुर्दों पे माथा टेकने पहुँच जाते हैं, मुर्दों के माथा टेकने से भी काम नहीं बना तो आप काले जादुओं के पास पहुँच जाते हैं। तो आपकी आस्था तो एक में है ही नहीं, आपकी आस्था कहाँ है? तो हिंदुओं की आस्था तो है ही नहीं, हम तो मतलब ही है, हमें अपना काम करवाना है बस, और हमारा काम निकले राष्ट्र गया भाड़ में। तो ये चीज हिंदुओं को समझनी है कि अगर अखिलेश ने बोला कि हम अयोध्या का नाम बदलेंगे, नया नाम लेके आएंगे, इस व्यक्ति को तो एक सीट भी नहीं आनी चाहिए यूपी में। अगर एक सीट भी आती है तो आपके लिए शर्म की बात है, आप डूब मरिए, फिर आपको भगवान राम का नाम लेने की या राम मंदिर की बात करने का अधिकार भी नहीं। सर ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्रोग्राम है, पता नहीं क्यों मेरा मन रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, पे जो सनातन लीडरशिप प्रोग्राम है, डू यू थिंक अ प्रोग्राम लाइक दिस कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड, थोड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर करने के लिए? ऐसे संदीप मेरे प्रोग्राम को आप धर्म से मत जोड़िए, ये प्रोग्राम पूरा एक प्रोफेशनल है, एक कॉर्पोरेट लेवल प्रोग्राम है, हम श्लोक नहीं पढ़ाते, हम रिचुअल्स नहीं पढ़ाते, हम धर्म सोकॉल नहीं पढ़ाते, हम अपने रामायण महाभारत गीता चाणक्य से उदाहरण उठाते हैं और उसको कॉर्पोरेट लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर
ये आपकी क्वालिटीज हैं, देन हाउ यू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी। तो मेरा प्रोग्राम ना राजनीतिक है ना धार्मिक है, मेरा प्रोग्राम प्योर रूप से सनातन में जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनको कॉर्पोरेट लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका है। एक प्रोफेशनल और कमर्शियल प्रोग्राम है ये, ना okay. कोई चैरिटी है ना धार्मिक है। okay. तो Sir. मतलब जैसे मेरे प्रोग्राम की फीस 2.5 लाख रुपए है 7 दिन की, तो वो है और उसमें कोई कंसेशन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, पर वो फीस बात की चीज है, पहले तो आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, वो जरूरी है। ओके सर, चैरिटी और सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं होता है, ये जो मेरी एचआर के जो टीम है वो सेलेक्ट करती है, मेरा उसमें कोई इनपुट नहीं होता, ना मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको ले लीजिए इसको मत लीजिए, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। ओके तो भाई लोग, मैंने सर के टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने थोड़ी देर पहले फ्लैश में किया था स्क्रीन के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद वहां भी डाल दूंगा, तो उस लिंक पे आप जाके चैनल का पार्ट बन जाना, और सर का जब भी नेक्स्ट बैच आने वाला होगा यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद सर का टीम, एंड अगर आपका इंटरेस्ट है यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। सर आपने चैरिटी का नाम लिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट रेलेवेंट टू इट, जहाँ पे क्वेश्चन ये है सर कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज पे देयर ग्रास रूट वर्कर्स इफ सैलरीज आर नॉट लीगल इन पॉलिटिकल पार्टीज, एंड इज इट ट्रू दैट स्कैम मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टीज इन अनइवन रेशियो। मैंने इसी यही कारण है ना कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग चैनलाइज होना चाहिए, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो चाहे वो सरकार के रूप में देने के रूप में हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में आप सैलरी नहीं दे सकते तो आप एक्सपेंसेस कवर करते हो। अब उसमें एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए तो कांग्रेस में तो ये बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको इलेक्शन के लिए 5 करोड़ दिए तो 2.5 करोड़ के फर्जी बिल आप लगा देते हो, और GST के बाद फर्जी बिल लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो लोगों को रैली में लाने के लिए हो, खाने पीने के लिए हो, दारू पार्टी के लिए हो, तो वहाँ अभी भी कैश होता है, पर वो बहुत लंबा, वो करप्शन ऐसा है कि वो करेक्टर से एम्बेडेड है और इसको हटाने में बहुत समय लगेगा, ये एक दिन का काम है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एंड कंडक्टेड इटसेल्फ लाइक अ सॉफ्ट स्टेट इंटरनली एंड विद इट्स एडवर्सरीज आल्सो, डू यू थिंक द टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू चेंज इट्स स्टैंस गिवन द विजिबल एंड इनविजिबल थ्रेट्स लूमिंग ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिजिनियस आइडेंटिटी। इसमें एक सर पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ जो चैट रूम से उठाया मैंने, जो फाइव फ्रंट वॉर फॉर मोदी है सर, कैन वी कोरिलेट दीज टू क्वेश्चंस टुगेदर, इंडिया का सॉफ्ट स्टैंड जो कंसिडर किया जाता है एंड फाइव फ्रंट वॉर जिसके बारे में आप बात करते हैं। देखो किसी भी वॉर का, कोई भी वॉर हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो 2 हो, हमारी लड़ी हुई लड़ाइयाँ हो, हर वॉर का एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव होता है टू किल द विल ऑफ पीपल। अगर वॉर का ऑब्जेक्टिव टू किल द विल ऑफ एनिमी स्टेट है, मतलब लोग हैं, अगर आप वो काम सोशल मीडिया के माध्यम से करते हो, मीडिया के माध्यम से करते हो, तो फिर बंदूक चलाने की जरूरत ही नहीं है। और उसका एक तरीका होता है कि अपनी लाइन को इतना लंबा कर दो कि दूसरा अपने आप ही जल के फूक जाए, और वही काम हमने पाकिस्तान के साथ करा। हमने पाकिस्तान के साथ बंदूक नहीं उठाई, हमने पाकिस्तान को पहले डीमोनेटाइजेशन में बर्बाद कर दिया, फिर ड्रग्स में बर्बाद कर दिया जिस तरह से ड्रग्स की रेट्स चल रही हैं, फिर आपने पाकिस्तान को बॉलीवुड के माध्यम से बर्बाद करा। तो आपको याद होगा 2016 में मैंने डीमोनेटाइजेशन के बाद लिखा था बॉलीवुड नेक्स्ट, तो वो आज आप दिख रहा है आपको, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब दरवाज़ा खुले कोई और हम अंदर घुसें, वो भगवान की कृपा कह लें या सुशांत का सेक्रीफाइस कह लें, उसकी वजह से हम अंदर घुस पाए और वो क्लीनअप हो रहा है। तो पाकिस्तान, और उसके बाद हमने पाकिस्तान को FATF में घुसा दिया, अब ना वहाँ जिंदा रह सकता है ना मर सकता है। पाकिस्तान का आज हाल ये हो गया है कि सऊदी अरेबिया उसे सुबह लोन देता है और अगले दिन वापस मांग लेता है, ठीक है, चाइना उसको आँख दिखा रहा है।
तो देखा जाए तो आज, और आईएमएफ उसको कह रहा है कि टैक्स बढ़ाओ, बिजली का पैसे बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ, तभी हम आपको लोन देंगे। टैक्स कलेक्शन बढ़ाओगे तो जनता मर जाएगी, जनता मरेगी तो रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट होगा तो स्टेट टूटेगा। और यही हुआ था 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था और अलग अलग कंट्रियां बनी थी, उसके पीछे भी सेम सिनेरियो था। तो आज एक बार वो सेम एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपको पाकिस्तान में दिखती हैं। तो कई बार रिवोल्ट का, कई बार लड़ाई का अर्थ ये नहीं होता है कि आप बंदूक उठाओ, वो तो एक्सट्रीम स्टेप होता है। जो 5 पॉइंट फिजियोलॉजिकल वॉर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें मीडिया आता है, उसमें सोशल मीडिया ऐड हो गया है, उसमें इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हैं। आज आप देख लीजिए, लोगों ने बोला था ये बुद्धिजीवियों पे मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, और मैंने तब भी बोला था एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जेल में डाल दें, एक्शन का मतलब ये होता है कि आप उनकी उनकी जो रिलेवेंस है उनको उसको टोटल ख़त्म कर दीजिए। आज आप खुद बताइए मीडिया का कितना रेलेवेंस रह गया, और जो राइट विंग का चोला ओढ़े हुए कुछ सोशल मीडिया पे लोग हैं जो कई बार अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके भाग जाते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? या जो यूट्यूब पे बड़े बड़े मतलब ओवरनाइट पत्रकार बन गए, जो कभी पॉर्न साइट चलाते थे, जब कभी सेक्स पे ज्ञान देते थे ट्विटर पे, वो सडनली आज सनातन और मोदी और राजनीति की बात करते हैं। तो इन लोगों की क्रेडिबिलिटी तो है नहीं ना। क्रेडिबिलिटी ज़रूरी होती है, और क्रेडिबिलिटी तब आती है जब आप कंसिस्टेंट रहते हो कई साल, एक आध साल नहीं, कई साल कंसिस्टेंट रहते हो। मेरे को भगवान महादेव का आशीर्वाद है कि मैंने अपनी पोजिशन कभी चेंज नहीं करी, क्योंकि मेरा कभी पैसे पे ध्यान ही नहीं गया। मतलब मैंने ना अपने YouTube चैनल से कभी कमाने की सोची, ना किसी से पैसे लेके ट्वीट करने की सोची या किसी को लड़वाने की सोची। तो मेरी कंसिस्टेंसी है, इसलिए भले ही टेलीग्राम एक क्लोज्ड ग्रुप हो, ट्विटर की तरह ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन 40,000 लोग टेलीग्राम पे होने का मतलब है कम से कम 4 मिलियन ट्विटर पे। तो वो मेरी रीच है, मैं लोगों को लड़वाता नहीं हूँ, समझाता हूँ। मैंने जैसे हमेशा बोला, मेरी कोशिश होती है कि आपकी सोच को नहीं बदलूं, मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। अब सोचना सिखाने के बाद अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरफ जाएं, जैसा आप सोचें, वो आपकी मानसिक अवस्था पे निर्भर करता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना लोगों को सोचना सिखा सकता हूँ बिना लड़वाए हुए वो सिखा दूँ। सर, एक सुपर चैट से एक क्वेश्चन आया है। सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिग्विजय सिंह? इफ यू वांट टू बी, इस पे मैंने इतना लिखा है, अगर मैं दिग्विजय सिंह के साथ अपनी फोटो शेयर कर रहा हूँ और मुझे उस फोटो पे गर्व है, पूर्ण रूप से गर्व है, तो फिर मेरे लिए ओपिनियन करने की तो बात नहीं ना। ओपिनियन तो आप बनाओ कि गौरव प्रधान बिक गया, कांग्रेसी हो गया, मोल बना हुआ है भाजपा में, भाजपा का कांग्रेस का जासूस भाजपा में बैठा हुआ, आप लोग कहानियाँ लिखो भाई, मुझे नहीं लिखना है। दिग्विजय सिंह इज़ अ वेरी शूट पॉलिटिशियन, ही इज़ अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन, ही इज़ अ चाणक्य, ही इज़ अ हिंदू, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड ही इज़ अ कट्टर हिंदू, ही इज़ मच बेटर हिंदू देन मोस्ट ऑफ द पीपल हु टॉक अबाउट सनातन एंड हिंदू, एंड जो हिंदू के नाम पर झंडा उठा के ट्विटर फेसबुक पे और यूट्यूब पे लगे रहते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा स्वच्छ और साफ हिंदू दिग्विजय सिंह जी हैं, और चरित्र भी अच्छा है। सर, एक दूसरा क्वेश्चन है जो चैट में अजय सिंह जी ने पूछा है कि सुना है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद छात्रों का आंदोलन शुरू करने की कोशिश करी जा रही है जंतर मंतर पर, आपके बारे में क्या विचार है? देखो, आंदोलन होते रहेंगे 2024 तक। मैंने कई बार लिखा है, लेबर यूनियन का आंदोलन हो, आपका किसान आंदोलन हो, आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का आंदोलन हो, बैंकिंग का आंदोलन हो, बैंक एम्प्लॉयज़ का आंदोलन हो,
ट्रांसपोर्ट, तो किसी ना किसी से आंदोलन चलता रहेगा। और जो भी स्टूडेंट आंदोलन भी है वो भी आप देखोगे कि लेफ्ट पार्टी स्पॉन्सर या लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन वाला स्पॉन्सर्ड होगा। और ये केवल इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी तरह से मोदी जी को कुर्सी से हटाना। 2022 अभी हमारा टारगेट है इन लोगों का, और उसके बाद इनका टारगेट 2024 होगा। 2024 में जब मोदी जी फिर से इलेक्ट होके आ जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अब अगर टेक्नोलॉजी की तरफ चलें, अभी जो रीसेंट न्यूज आ रही है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि वी आर गोइंग टू कम अप विद अ बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी वेरी सून, जो भी इस पे बैन लगेगा नहीं लगेगा, किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा, अगर प्रॉपर बैन पूरा बैन ना लगे तो इसके बारे में कोई अपडेट है सर? व्हाट डू यू थिंक? क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सर पहले भी बात कर चुके हैं, बट एनी आइडिया कि गवर्नमेंट किस तरफ लीन कर रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि काफी जो करेंसीज है बॉलीवुड वाले काफी प्रमोट कर रहे हैं सर, अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसीज को। देखिए पहली चीज, मैं कभी क्रिप्टो का फैन नहीं रहा और मैंने कभी क्रिप्टो को बढ़ावा नहीं दिया। क्रिप्टो करेंसी एक चीज है और ब्लॉकचेन अलग चीज है। लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को मिक्स कर देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी एसेट से बेस बैक्ड अप नहीं, वो एक कंप्यूटर पे होस्टेड है। कल को वो कंप्यूटर अगर क्रैश कर जाएगा तो आपकी सारी करेंसी गई। तो क्रिप्टो में कुछ लोग बहुत पैसा बनाएंगे और हजारों लाखों के माध्यम में लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये आप लिख के रखो। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, आप कंपनी का एसेट होता है, कंपनी खुद खड़ी हुई होती है, वो ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो आपको पैसे बनाएगा। क्रिप्टो जनरली इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे ड्रग फंडिंग हो, चाहे वो टैक्स एवेजन हो, और उनके लिए इस्तेमाल होता है। बॉलीवुड के बहुत से बड़े लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, लाखों में करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, और वो सब टैक्स बचाते हैं उस माध्यम से। उसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनका नाम आप बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, महानायक वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और वो सब उसमें लेते हैं। तो जो भी क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट कर रहा है, या तो आप इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो या आप टैक्स एविजन में हो, और दोनों ही इलीगल एक्टिविटी है। तो अभी बिल आएगा तब पढ़ेंगे उसमें क्या है, बैन है, क्या है, रेगुलेशन है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जितना मैं सरकार को समझ पाया हूँ, सरकार किसी भी चीज़ को बैन में विश्वास नहीं करती है। सरकार उस चीज़ का रिलेवेंस इतना ख़त्म कर देती है कि वो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि क्रिप्टो को रेगुलराइज कर दिया जाएगा किसी माध्यम से, उस पर बहुत सारे लॉज और सेंक्शंस लगा दिए जाएंगे, टैक्सेशन बहुत हैवी होगा, ये बात कंफर्म है। तो जब टैक्सेशन बहुत हैवी हो जाएगा उस पर, तो क्रिप्टो अपना रेलेवेंस खोना शुरू कर देगा। इतिहास में अगर जाते हैं तो क्रिप्टो का जो उदय हुआ था वो 2008 में हुआ था, जब अमेरिकन मेल्टडाउन था, और उस समय जब स्टेट करेंसी पे लोगों का विश्वास खत्म होने लगा तो क्रिप्टो का उदय हुआ। तो क्रिप्टो जैसी करेंसी तभी उदय होती है जब स्टेट करेंसी पे लोगों का विश्वास कम होने लगता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर चैट से शंकर नारायण स्वामी जी का है कि क्वेश्चन फॉर डीजीपी सर, जय हिंद सर, कैन यू प्लीज डिस्कस द कंडीशंस इम्पोज्ड बाय पाकिस्तान फॉर आवर ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफगानिस्तान एंड द ईरान तालिबान कॉन्फ्लिक्ट एट ईरान बॉर्डर, इज देयर अ कनेक्शन? देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन। मैं आपको शंकर, मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इस पे पूरा एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। कृपया मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं डिस्क्राइब करने लगूंगा तो अभी एक घंटा उसमें लग जाएगा। पर पाकिस्तान चाइना के पपेट की तरह काम कर रहा है अफगानिस्तान में।
पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपना सीपैक को बचाना है, चाइना का इंटरेस्ट वहाँ की माइनिंग है, और लड़ने के लिए वो पाकिस्तान को आगे करता है ताकि चाइनीज कैजुअल्टी ना हो, चाइना की कैजुअल्टी, चाइना में अगर लड़ा तो चाइना की कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा होंगी, बिकॉज दे आर नॉट अ फाइटिंग फोर्स, दे डोंट नो हाउ टू फाइट अ वॉर। तो मेरा आपसे निवेदन है शंकर, मेरे चैनल पे जाके एक बार वो वीडियो सर्च करके देख लो, रिसेंटली पढ़ा होगा, उसमें सारी डिटेल। सर वापस आ जाते सर महाराष्ट्र की तरफ, पाकिस्तान ईरान और तालिबान के बॉर्डर से, जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन नितिन गडकरी हुज एस्पायरिंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी मेड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन द फ्यूचर बाय नरेंद्र मोदी इन ऑर्डर टू बैलेंस गडकरीज एम्बिशन टू बिकम पीएम? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस चीज का जवाब दिया है कि बीएमसी इलेक्शन के बाद चेसबोर्ड बिछेगा, बीएमसी इलेक्शन से पहले किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, और केवल वो एक हाई लेवल स्पेकुलेशन है होगी, कॉन्क्रीट जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं मेरा तरीका है देने का, वो बीएमसी इलेक्शन के बाद ही बात करें। ओके शंकर जी, जो सर वीडियो की बात कर रहे थे, सर के चैनल का लिंक मैंने नीचे स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया है, तो आप उसको प्लीज विजिट कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट बाकी लोगों से भी, भाई लोग प्लीज गो अहेड, सर का ये यूट्यूब चैनल है सर का खुद का, यहाँ पे ये वीडियोस बनाते रहते हैं रेगुलरली, प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एज मैनी एज कॉमेंट्स पॉसिबल जो मैं अपने वीडियोज के लिए भी कहता हूँ, सर के वीडियोज पर भी करो, ताकि वो रिकमेंडेशन में जाए और लोगों तक, बुद्धिजीवी जो है उनको उनकी सोच तोड़ने के लिए और जो नासमझ उनकी सोच बढ़ाने के लिए ये वीडियोस को पहुंचाना आगे जरूरी है, तो प्लीज डू दैट। सर बीएमसी के इलेक्शंस में कोई प्रेडिक्शन है सर आपकी? अभी इंतजार करो, जनवरी का इंतजार। सर मेरा एक ना एक पर्सनल टाइप का क्वेश्चन है सर, एक वीरदास नाम का भी एक प्राणी है सर मुनव्वर फारूकी की तरह, उसने भी आई कम फ्रॉम दैट इंडिया आई कम फ्रॉम दिस इंडिया किया था सर, तो मैंने भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था सर उसके ऊपर 6-7 मिनट का, जहाँ पे मैंने भी आई कम फ्रॉम दिस इंडिया आई कम फ्रॉम दैट इंडिया किया था, खूब गालियाँ पड़ी थी सर, 3 मतलब मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो है मेरा वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आफ्टर द वीडियो ऑफ ध्रुव राठी के ऊपर भी एक बनाया था उसको रोस्ट करके, तो उसमें भी 200+ डिसलाइक आए थे, और इसके ऊपर भी 300 के आसपास के डिसलाइक आए थे सर, बट जैसे आपने पहले ही बोला कि दो कौड़ी के लोग मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों का हायर किया जाता है एक प्रोपोगंडा आगे बढ़ाए जाने के लिए, और ये बंदा वीरदास ये जाके इंडिया की बुराई करता है वहां पे, अचानक से इसको ग्रैमी एमी पता नहीं कौन सा अवार्ड तो था उसको, वहां पे कोई नॉमिनेशन है पता नहीं क्या हो गया वो बेनिफिट, दूसरा उसी टाइम यूएस का एक डिक्टेट आ गया इंडिया के लिए कि इंडिया अपने सिटीजन के लिए कि इंडिया में रेप के चांसेस हैं वायलेंस का है तो बी केयरफुल, this is all large scale propaganda which Modi ji again has to take care of, इतने लोग भी आ गए मैदान के अंदर। संदीप ये left propaganda है, ये left का propaganda है, ये सारा कबाल left का है, आप एक वहाँ पर provocative statement देते हो, आपको पता है उसका reaction भारत में क्या होगा, और आप reaction देने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, मतलब बोलने के लिए आपको पैसे मिलते हैं वहाँ पर, और साइडलाइन में आप यूएस से कोई डिक्टेट, यूएस से डिक्टेट आने का मतलब ये नहीं है, यूएस सरकार से, यूएस में बहुत सारे ऐसे तबलची ऑर्गेनाइजेशन है दो कौड़ी के, जो जैसे भारत में कोई भी एडवाइजरी खोल लो कोई भी इंटेलेक्चुअल बन जाता है, भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक मित्र हैं क्या बोलूँ उनके बारे में, उनकी माता जी विराट हिंदू के साथ हैं, और वो भी आके अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट बोलते हैं, जबकि सच बात ये है कि जिस दिन उन्होंने एक बंदूक फायर कर ली मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि पेंट गिली हो जाएगी, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में भी हैं जो मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं, फॉरेन पॉलिसी पे भी बोल सकते हैं, डिफेंस पे भी बोल सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी AK-47 भी नहीं चलाई, AK-47 तो बहुत दूर की बात रही, 9mm पिस्टल भी नहीं चलाई होगी, तो ऐसे लोगों पे, और वो लड़कियों के कपड़े पहन के पार्टियों में डांस करते हैं,
ऐसे लोगों पे मैं ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करता संदीप। सर आई नो रात काफी लेट हो गई, 10:30 बज रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मेरा सर, मैं हमेशा यही होता है, एक क्वेश्चन करते करते मैं आपको हमेशा लेट करता रहता हूँ। बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है सर, आई डोंट नो हाउ इट एक्चुअली हैज एनी रेलेवेंस और नॉट, बट स्टिल सर, सीइंग द मिसयूज ऑफ डेमोक्रेसी, डू यू थिंक भारत नीड्स डिक्टेटरशिप एंड कैन इट बी प्रैक्टिकली अचीव? इफ सो, डू वी रियली नीड इट? नहीं नहीं वी आर नॉट गोइंग डिक्टेटरशिप रोल, वी आर गोइंग, वी विल बी इन अ डेमोक्रेटिक रोल। द ओनली थिंग इज नाउ द नेशन इज गैल्वेनाइजिंग बिहाइंड वन पर्सन। तो वो जो पोलराइजेशन है अब उसमें मोदी ने आज तक किसी को लड़वाया तो है नहीं, मेरे ख्याल से आज तक मोदी जी ने एक भी स्टेटमेंट अपने जीवन में ऐसा नहीं दिया है जहाँ उन्होंने लोगों को लड़वाया हो। ये लड़वाने का काम जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म के सनातन धर्म के ठेकेदार हैं सोशल मीडिया पे, ये वही काम करते हैं। लेकिन फैक्ट ये कि भारत का स्वरूप एकदम तो एक दिन में तो आप बदल नहीं सकते, आपको कम से कम अगले 70-80 साल चाहिए। तो मेरे ख्याल से डिक्टेटरशिप वाली बात कहीं नहीं है, उसके चांसेस नहीं है। चलिए सर, आई होप एवरीथिंग रिमेंस वेल, एंड जैसे वीडियो लाइव होने के पहले आपका मेरा जो एक कॉन्वर्सेशन हुआ था वो डेफिनेटली ऑन रहेगा सर। जाने के पहले सर, एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड, बिकॉज़ पीपल लुक अप टू यू, पीपल ऑलवेज वांट टू लिसन मोर एंड मोर फ्रॉम यू, बट एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, आप सब लोग मुझे सुनना चाहते हैं। मेरा पता नहीं क्यों यूट्यूब से मन उचट गया है, क्योंकि मैं अपने बारे में बस इतना बोलूंगा, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे संदीप के साथ डिस्कशन हो या किसी और चैनल पे हो, हम कभी भी क्वेश्चन शेयर नहीं करते। संदीप कभी मेरे को नहीं बताते हैं कि वो क्या पूछेंगे, या और भी चैनल जो हैं वो कभी नहीं बताते, और मैं भी नहीं पूछता कि क्या बोलेंगे। तो जो भी आप सवाल पूछते हो, जो भी आपका विचार होता है जिसके मैं जवाब देने का काबिल समझता हूँ अपने आप को, मैं कोशिश करता हूँ कि सच्चे मन से ईमानदारी से उसका जवाब दूँ। मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई नहीं है, ना मेरा सोशल मीडिया से कोई अर्निंग का इंटरेस्ट है। मेरे अपने माध्यम कॉमर्शियल काम करता हूँ, वो मेरा माध्यम, और उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैं पब्लिक में नहीं बताता। बाकी मैं कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी चैनल्स पे आऊँ, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं नहीं आया था, तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मैं इतना सब कुछ भारत में हो रहा है, आप आ नहीं रहे। मैं अपने काम में व्यस्त था, पर अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ चैनल्स पे। तो आप देखते रहिए, टेलीग्राम फॉलो की, मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो मैं बोलने से ज़्यादा लिखना बेहतर समझता हूँ। इसलिए निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सारी शंकाएँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है उस पर मैं लिख तो देता ही। और भाई लोग, जो सर ने अभी बोला ना कि 1.5 महीने से सर नहीं आए, सर का और मेरा प्यार थोड़ा ज़्यादा है, तो सर मुझे मना भी नहीं कर पाते जब जब मैं इनको मैसेज करता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो सर एज इट इज़ मुझे मना नहीं कर पाते, तो नहीं आने का तो ऑप्शन सर को देता ही नहीं कि सर नहीं। कल ही मैं कश्मीर से आया हूँ, और अभी 1 हफ्ते बाद फिर जाना है, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मेरे को जब खांसी होती है तो महीना भर लग जाता है, तो अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लेकिन अभी मुझे फिर जाना है, वहाँ पर -3 डिग्री -4 डिग्री है, यहाँ पर दिन में 24 डिग्री है, तो दिक्कत तो होती है। सर आप ध्यान रखिएगा, एंड जैसे कि मैंने बोला जो ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन हुआ था हमारा वो जल्दी करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर। आप सबको नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद सर। ओके भाई लोग, तो ये था वाइस स्टाइल, बिल्कुल शशि सर, बिल्कुल आई एग्री विथ यू सर। अभी जैसे सर ने बोला कि यूट्यूब से उनका थोड़ा सा मन भरा हुआ है, मेरा भी थोड़ा यूट्यूब से अभी मन भरा हुआ है, इवन आई हैव बीन फीलिंग अ लिटिल इफी अबाउट इट एंड टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू, टू डू और नॉट टू डू, ऐसी कई तरीके की फीलिंग्स मन में आ रही हैं। सो वी विल सी हाउ थिंग्स गो, वी विल सी हाउ थिंग्स गो, इन विच डायरेक्शन वी वॉन्ट टू गो, इफ एट ऑल वी वॉन्ट टू गो इन एनी डायरेक्शन, वी विल सी। बिकॉज यूट्यूब वॉज नेवर, मेरा भी कोई ऐसे घर चलाने वाला साधन नहीं है भाई कि मैं यूट्यूब करके घर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा है मेरा, बट
फैक्ट है, ये भी जीवन का सत्य है, विल सी हाउ इट गोज। बट जैसे ही थोड़ा सा लगता है कि नहीं इससे थोड़ा दूर हट जाओ, कुछ फायदा नहीं, मतलब फायदा इन द सेंस कि कोई कोई कुछ नहीं है इसमें, एंड देन आई लुक एट योर कॉमेंट्स, आप लोगों के कॉमेंट्स आते हैं, एक दिन अगर ट्विटर या कहीं पे नहीं आता तो जो टैग करके लोग मैसेज करते हैं, या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जिनके पास नंबर है वो मैसेज करते हैं, तो फिर मन करता है कि चलो थोड़ा एक बार ही और सही। अब वो थोड़ा एक बार ही और सही कितने दिन चलेगा या कितने सालों तक चलेगा, विल सी। बट यूट्यूब और नो यूट्यूब, जितने लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आई विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू यू गाइस, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। मैंने शुरू में ही बोला था कि लास्ट में रह जाएंगे आप और मैं, एंड यूट्यूब यूट्यूब का मोहताज नहीं है वो रिलेशनशिप। सो होपफुली फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, कब मिलेंगे ये नहीं पता, कल का कुछ पता नहीं है। बट या अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अप, अ लॉट ऑफ न्यू डिसीजंस विल बी मेड। आज के लिए इतना ही भाई लोग, मन करे तो वीडियो को लाइक करना, सब कमेंट जरूर करना वीडियो के ऊपर, 1200 लोग देख रहे थे, आगे भी जो देखोगे क्योंकि कमेंट करोगे तभी आगे वीडियो जाएगा रिकमेंडेशंस में और इसका रीच बढ़ेगा। लोगों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने, खुद भी करो भाई, इसी नाम से स्टाइल रख के नाम से फेसबुक पेज है उसको लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, 1000 लोग बैठे हो अभी, 1000 लोग बैठे हो अभी, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गो ऑन इंस्टाग्राम, इफ ऑल यू आर इंस्टाग्राम, और जाके इस अकाउंट के साथ अटैच होते हो, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम कि इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव नहीं आया। कल रात को लेट नाइट एक सेशन इंस्टाग्राम के ऊपर वो करेंगे, कल स्टाइलर से थोड़ी सी छुट्टी लेंगे और कल आएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। सो कनेक्ट ऑन दिस आईडी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर भाई लोग, जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखना।